मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंची। महाकालेश्वर का दर्शन, पूजा और जलाभिषेक करने के बाद मीडिया के साथ उमा भारती रूबरू होती हैं। दिग्विजय सिंह से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराजगी तक पर अपनी बात कहती हैं। दिग्विजय सिंह के शेर का शिकार करने वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए उमा भारती ने कहा, मैं तो मोगली हूँ, मैं किसी शेर और बाघ से नहीं डरती। मैंने साल 2003 में ट्रैंक्विलाइजर गन से राघव गोड़ के शेर को बेसुत कर दिया। मैं दुर्गा की बेटी हूँ, शेर की सवारी करती हूँ। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उमा भारती कहती हैं, उन्होंने राजमाता की इच्छा को पूरा किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी ही नहीं, वो अस्तित्व खो चुकी थी। कमलनाथ अपने विधायकों और नेताओं के कारण असहाय हो गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कदम से मैं काफ़ी खुश हूँ। मंत्रिमंडल में सिंधिया के समर्थकों को तवज्जो दिए जाने से नाराज़गी के सवाल पर उमा भारती ने कहा, शुरुआत में शिवराज और मुझ में थोड़ा संकोच का माहौल था, लेकिन अब हम सगे भाई बहन की तरह हैं। बीडी शर्मा तो मेरे बहुत करीबी हैं। शिवराज और शर्मा से मैं सीधे बात करती हूँ, मीडिया के ज़रिए उन्हें मैं कोई संदेश नहीं दूंगी। इन सब बातों के बीच में आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान की तारीफ़ करती हुई उमा भारती कहती हैं, अभी मध्य प्रदेश में ऐसा नेता है जो राज्य की रग रग को समझता है। वो हर घर में एक सदस्य की तरह स्थापित हो चुके हैं। भाजपा में अपनी भूमिका को लेकर उमा भारती ने कहा, पार्टी जो कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।